आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर्स, मैं हूं आपके साथ आयुषी निकम। ये तो सब जानते हैं कि लखनऊ मेट्रो स्टेशन, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पे यहाँ बुक फेयर लगा था 16 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तो वहीं पे आज यहाँ जो मेन गेस्ट आए हुए हैं वो कोई और नहीं, वो लखनऊ के जाने माने लेखक हिमांशु वाजपेयी हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि जो किताब उनकी जो आई है किस्सा किस्सा लखनऊ हुआ, उसके बारे में जानकारी लेंगे और भी उनसे कुछ खास बातें करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका शुक्रिया कि आप मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। सर, पहले तो अपनी किताब के बारे में बताइए जो किस्सा किस्सा लखनऊ हुआ है। वैसे तो आप मेन लखनऊ हैं, सब यही जानते हैं कि आप लखनऊ हैं, कट्टे लखनऊ जो है वो आप ही हैं, लेकिन आप अपने कुछ किताब के बारे में बताइए। किताब राजकमल प्रकाशन से आई है, किस्सा किस्सा लखनऊ, लखनऊ के अवामी किस्से। लखनऊ के आम लोगों के किस्से हैं, बिल्कुल आम साधारण लोगों के किस्से हैं। और अब किताब को आए कुछ साल हो गए हैं, तो इन कुछ सालों में किताब के कई एडिशंस छपे हैं, तो उससे ये उम्मीद मुझे है कि किताब लोगों को पसंद आ रही है और आगे और भी कुछ काम करने का इरादा है, तो बस कर रहे हैं। आप पूरी, मैंने इवेंट देखा उसमें आप बात कर रहे थे पुराने और नए लखनऊ के बारे में, क्या फ़र्क है पुराने और नए लखनऊ में, आप अपने शब्दों में बताइए। पुराना लखनऊ जो कि कई सदियों के सफ़र के बाद बना है, तो उसमें एक ख़ास किस्म की तहजीब हमें नज़र आती है। यहाँ लखनऊ चूँकि नया है और तहजीब या संस्कृति या सभ्यता एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बनने में बहुत वक्त लगता है, तो चूँकि अभी नया है तो उसका उस तरह का कोई कल्चरल कैरेक्टर या इम्पैक्ट नहीं है। तो जो लखनऊ जिसकी हम बात करते हैं वो असल में वही है जो हम पुराना लखनऊ कहते हैं। जो लखनऊ एक सांस्कृतिक इकाई है वो वही लखनऊ है, और भौगोलिक इकाई में लखनऊ जैसे जैसे बढ़ेगा सब कुछ लखनऊ है जी। आज के समय में कोई भी लखनऊ में एंटर करता सबसे पहले यही कहता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या बदलाव हो रहा है या पुराना लखनऊ आज भी बरकरार है कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि लखनऊ एक ही है। लखनऊ की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत मशहूर भी हुई वो बात कि लखनवी वो नहीं होता जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। तो इसलिए जो है, जो लखनऊ की कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रिवायात हैं, कुछ कदरें हैं, कुछ एक समझदारी है, उनको जो समझता है, जो सीने से लगा के रखता है, वो लखनवी है, और जो नहीं रखता वो नहीं है, इतनी सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं और शहरों की, क्योंकि आप, ये तो बात हो गई लखनऊ की, आप कई शहर घूमे हैं, क्या आपके ख्याल में कभी नहीं आया कि लखनऊ के अलावा भी कोई ऐसी किताब लिखी जाए किसी शहर के बारे में? नहीं, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि लखनऊ को लेके या वो किसी का शेर है कि बशीर बद्र साहब का, कि हम दिल्ली भी आए हम लाहौर भी घूमे ए यार मगर तेरी गली है। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है आपसे कि आज का यूथ किताबों से भागता है, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय व्यतीत करता है, क्या कहना चाहेंगे उस युवा को? और लास्ट में बुक फेयर जो यहाँ पे लगाया गया है हजरतगंज मेट्रो स्टेशन में, क्या कहना चाहेंगे बस इसके बारे में? नहीं, मेरा ये कहना है कि युवा किताबों से भागता नहीं है, किताबों का अपना एक चस्का है, जिसको वो लग जाता है फिर वो लग जाता है। और सोशल, हम, मेरा ये कहना है दोनों जगह रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे भी रहें और किताबें भी पढ़ें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, किताबें भी पढ़ लें वहाँ भी रह लें, मैनेज कर लें समय को, अपने समय जिसे हम कहते हैं ना तवाजन, संतुलन, वो बस कर लें तो सब, हर चीज़ अच्छी है। और किताबों की अपनी एक महत्ता है, एक महिमा है, उसको समझा जाए। और बुक फेयर जो यहाँ लगा हुआ है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लोग यहाँ से गुजरते हैं, स्टेशन है ये, और यहाँ पर हजरतगंज मेन स्टेशन है, मेन जगह है लखनऊ की, यहाँ पर वो किताबों का मेला लगा है, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और अच्छी बात यह है कि लगता रहता है, क्योंकि अभी लगा है और भी साल में कई कई बार हम देखते हैं कि बुक फेयर यहाँ रहता है, तो मुझे तो बहुत उम्मीदें इससे हैं। थैंक यू सर सो मच। तो आपने ये थे हमारे साथ मशहूर ऑथर लखनऊआ जिसे कहा जाता है, और जब भी लखनऊ की बात आती है तो हिमांशु वाजपेयी की बात सबसे आगे आती है, उन्हीं से बात करी और उनसे ये भी जाना कि उनका जो दिल है, उन्होंने साफ बता दिया कि जो उनका दिल है वो लखनऊ में ही बसता है और किसी शहर में वो जा नहीं सकते और ना ही किसी और के शहर के बारे में कभी सोच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ में आयुषी, डेली इनसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली।